नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया था। स्वर संधि का जो हिस्सा था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी का जो अगला हिस्सा है व्यंजन संधि का, वो मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ज्यादा लंबा वीडियो ये होगा नहीं, मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो होगा और इसी आधे घंटे के वीडियो में हम व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, स्वर संधि स्वरों पर आधारित थी, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में जाकर के बताया था कि संधि की कैसे पहचान होती है, स्वर संधि को स्वर संधि ही क्यों कहते हैं या स्वर संधि में कैसे स्वरों का मेल होता है। तो दोस्तों, ये व्यंजन संधि है तो इसके जैसे नाम में पता है, और मैंने शुरू की वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें व्यंजन का ही मेल होगा, है ना। मतलब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, अगर इधर पहला शब्द है और इधर दूसरा शब्द होता है, दूसरा शब्द होता है दोस्तों और इधर ये पहला शब्द है, पहले शब्द का जो ये अंतिम वर्ण जो होता है ना, इसी के आधार पर संधि की पहचान होती है। तो सीधी सी बात है, ये अगर व्यंजन संधि है तो यहाँ पर जो वर्ण होगा दोस्तों वो व्यंजन ही होगा। अब इस तरीके से नहीं हो सकता, इस तरीके से हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम जानते ही हैं कि इसमें आ शामिल है, इसमें आ शामिल नहीं है, ये प्योर व्यंजन है, ठीक है, ये बिना स्वर की सहायता का लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर कोई वर्ण होगा तो वो इस रूप में होगा, का हो, खा हो, गा हो या कुछ भी हो, वो इस रूप में होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। लेकिन अगर शब्द बंधा हुआ आ जाए तो कैसे पहचान करेंगे, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना अंत तक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यंजन संधि है तो इसमें व्यंजन का ही सारा खेल होने वाला है। जो मैंने बताए थे आपको स्पर्शी व्यंजन, उन्हें हम लिख लेते हैं, का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, अड़ा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, बा, भा, मा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप नियमबंध कह सकते हैं, नियमबंध कह सकते हैं, और इसका आप नाम रखेंगे तीसरे वर्ण का पहले में बदलना, पहले में बदलना, ठीक है, तीसरे वर्ण का पहले में बदलना। अब ये कैसे बदलेगा, देखो दोस्तों, अगर किसी शब्द में यहां पर संधि टूट रही है जहां पर गा है तो वो का में बदल जाएगा टूटने के बाद, अगर जा है तो वो चा में बदल जाएगा, डा है तो वो टा में बदल जाएगा, दा है तो वो ता में बदल जाएगा, बा है तो वो पा में बदल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें बदल जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि दिग्गज है ना, दिग्गज है, आपने देखा बीच में गा आया हुआ है ना, बीच में गा आया हुआ है और यहीं से संधि टूट रही है। अगर स्वर संधि होती तो दोस्तों हम इसको कैसे तोड़ते, स्वर संधि होती तो हम देखते शब्द कहां से टूटता है और जहां से टूट रहा हो दोनों तरफ स्वर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो स्वर संधि हो जाती। लेकिन जैसे ही आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको स्वर संधि के हिसाब से नहीं तोड़ सकते, मतलब आधे गा से संधि टूट रही है और आधा गा क्या है, व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, इसका जो नियम है इसको तोड़ने का, तीसरे वर्ण का पहले में बदलना है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों दिक प्लस गज, है ना, गा था तो ये गा कहां बदल गया, का में बदल गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, शायद आपको उधर लिख दूंगा तो आपको शायद दिखाई ना दे, इसलिए मैंने थोड़ा कम जगह में लिख दिया है, तो आप इसको उतार लेना। दिग्गज का कैसे लिखेंगे, दिक प्लस गज। अब दूसरा शब्द, दूसरा शब्द हो जाएगा यहां पर अजंत, अजंत हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों अज प्लस अंत आ रहा है, वैसे अगर हम इसकी संधि करें तो अज प्लस अंत आ रहा है ना, लेकिन
अज का कोई अर्थ नहीं होता है। मैंने बताया था संधि का नियम ये कहता है कि दोनों शब्दों का अपने आप में कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो हमने अज से तोड़ा, अब हमें पता ऐसे टूटना था ये, लेकिन नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का कि जो तीसरा वर्ण है वो इसमें बदल जाएगा, मतलब पहले वर्ण में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा अज, अज प्लस अंत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला शब्द देख लेते हैं हम, सदानंद। सदानंद तो ये हो जाएगा दोस्तों सट प्लस आनंद। आनंद माने क्या होता है, सर, ये जो हेड सर होता है ना, सट प्लस आनंद। सट का मतलब क्या होता है, सात, सात सरों वाला है ना, तो सट प्लस आनंद। सट तोड़ते सट का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये नियम है कि तीसरा जो वर्ण है वो पहले में बदल जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या था, सट, और इसको हमने क्या तोड़ दिया, सट, सट प्लस आनंद। अगला शब्द देख लेते हैं, सदाचार। अब इसको हम तोड़ेंगे, ये आ गया यहां से टूटेगा, सत प्लस आचार है ना, क्योंकि पहला वर्ण क्या है इसमें, ता है, तो ये हो जाएगा हमारा सत प्लस आचार, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं एक, हाथों हाथ नोट करते भी चलना, लिखते भी चलना। अब देखते हैं इस वाला, इसका उदाहरण देख लेते हैं, सुवंत। सुबंध हो गया, तो इसको कैसे तोड़ेंगे आप, बा है, बाप ऐसे संधि टूट रही है, तो ये हो जाएगा सुप प्लस अंत। अब ये ध्यान रखना, ये चाहे पूरा हो या आधा हो, जब ये टूट के आएगा ना पहले वर्ण में, तो ये आधा ही बनेगा। आधा क्यों बनेगा, क्योंकि इसका नियम मैं आपको समझा ही चुका हूं। देखो जैसे ये सड़ानन ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ लो, सड़ानन ले लेते हैं, और मान लो हम इसका नियम भी अपना लेते, जो तीसरा वर्ण है उसको पहले में कन्वर्ट कर देते, तो सट प्लस आनन हो जाता है ना, ये आनन हो जाता। लेकिन दोस्तों आपको पता है यहां पर कोई भी अगर पूरा वर्ण है, पूरा व्यंजन है, तो उसके अंदर आधा आ शामिल होता है, पूरा आ शामिल होता है, अगर इसमें से आ निकल जाएगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना, ये आधा टा आ जाएगा और ये आ जाएगा। लेकिन अगर ये इस रूप में लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आ शामिल है, और आ शामिल है तो यहां भी आ और यहां भी आ, तो ये क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। इसलिए दोस्तों यहां पर जो आप तोड़ेंगे ना, इसको आप हलंत लगाकर ही तोड़ेंगे, आधा हो जाएगा। अब यहां पर स्वर निकल गया, केवल व्यंजन ही बचा है, और इसी के आधार पर संधि की पहचान होती है। ये मैंने आपको संधि के सबसे पहले वीडियो में बताया था कि संधि की पहचान इसी वर्ण से होती है। अब ये वर्ण क्या है दोस्तों, व्यंजन है, क्योंकि इसके अंदर से हमने आ निकाल दिया है। तो इसलिए जब भी आप संधि तोड़ेंगे, जैसे दिग्गज का दिक् प्लस आनंद करेंगे तो का के नीचे हलंत लगाएंगे, अच प्लस आनंद करेंगे तो चा के नीचे लगाएंगे, यहाँ टा के नीचे लगाएंगे, और यहाँ ता के नीचे हलंत, और यहाँ पा के नीचे हलंत लगाएंगे। ठीक है, तभी ये हमारी व्यंजन संधि कहलाएगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले नियम की ओर, नियम नंबर दो। नियम नंबर दो क्या कहता है, ये भी ऐसा ही है, पांचवे वर्ण का पहले में बदलना, पहले में बदलना। अब इसको भी देख लेते हैं ये कैसे आएगा। अभी तक हम तीसरे की बात कर रहे थे, लेकिन अब पांच में से बात शुरू होगी, है ना। ये तीसरा नहीं होगा अब, ये पहले नियम में था और अब ये दूसरा नियम है। अब इस ये कैसे बदलेगा, इसका भी मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं। जैसे है बाढ़ में, है ना, बाढ़ में आपने लिखा हुआ देखा होगा, इस तरीके से लिखा होता बाढ़ में, है ना, तो इसको आप कैसे लिख देंगे, बाघ प्लस में, ये हो जाएगा। और इसका एक दो एग्जाम्पल, जैसे षणमुख, षणमुख है, तो इसको आप कर देंगे षट प्लस मुख, और
उन्नयन है, जैसे उन्नयन तो ये हो जाएगा उत प्लस नयन। ठीक है, कितना आसान था, दोनों नियम कितने आसान थे कि जब भी, ये मैंने ज्यादा इसलिए नहीं कराया दोस्तों कि एक एक उसका करा था, उसमें ये तो आता ही नहीं है, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी आप इसी से समझ सकते हैं कि पांचवा वर्ण अगर कहीं आपको दिखाई दे रहा है जहां से संधि टूट रही है तो वो व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि को जब आप तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, उसको आप पहले में बदल देंगे, बाढ़मय का बाघमय हो जाएगा, षणमुख का षटमुख हो जाएगा। यहाँ हलंत जरूर लगेगा दोस्तों, जब भी शब्द टूटेगा हलंत जरूर लगेगा, और हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर केवल व्यंजन है, यहाँ पर केवल व्यंजन है, इसके अंदर स्वर नहीं है, इसीलिए ये व्यंजन संधि है और यहीं से इसकी पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, दो नियम आपके कंप्लीट हो गए, अब चलते हैं अगले नियम की ओर। नियम में मतलब तोड़ तोड़ के मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एकदम से ऐसे ना लगे कि सब कुछ एक जगह ही हो गया, आधा समझ में आया आधा समझ में ना आया। एक तरीके से पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा बेहतर अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम, तीसरा नियम, जैसे कि नियम नंबर इसको आप 3 कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जहां भी आपको डबल वर्ण एक साथ मिल जाए, मतलब एक आधा एक पूरा, या फिर दोनों आधे मिल जाए, जैसे कि ये जैसे उज्जवल नहीं लिखते हैं, डबल जा बनता है वो भी आधा आधा, तो एक साथ दो वर्ण मतलब एक जैसे ही दो वर्ण, जैसे आधा जा पूरा जा या फिर दोनों आधा जा, इस तरीके के अगर बनाते हैं और क्या हो सकता है, ये वाला इस तरीके से तो होते हैं नी, जहां भी इस तरीके के व्यंजन आएंगे है ना, एक आधा एक पूरा या दोनों आधे, तब क्या क्या होगा। ठीक है, आए तो आधे वर्ण की जगह, आधा वर्ण की जगह कौन सा, मतलब ये आधा है ये आधा है ये आधा है ये आधा है और ये आधा है ना। देखो ये तो वैसे ही आधा है इसके, इसलिए इसके नीचे हलंत नहीं लगाया, ये भी आधा है इसके नीचे भी हलंत नहीं लगाया, लेकिन ये पूरा लिखने के बाद अगर हलंत लगाते हैं तो इसका मतलब ये भी आधा हो जाए, वर्ण की जगह आधा ता, ये ध्यान रखना बस। हो जाएगा जब भी आपको ऐसा कोई शब्द मिले जिसके अंदर इस तरीके के वर्ण हो तो वहां पर कुछ नहीं करना, जो भी आधा वर्ण होगा ना उसकी जगह केवल आधा ता लगा देना और संधि तोड़ देनी है ना। इसके एक दो एग्जांपल जैसे सज्जन है ना और उज्ज्वल, उल्लास और उड्डयन, ये जो वर्ण है ये जो शब्द है दोस्त, देखो अब इसको तोड़ते हैं, क्या है, जहां भी आधा है ना उसकी जगह आधा ता कर दो, तो सत प्लस जन, उत प्लस ज्वल, उत प्लस लास, उत प्लस डयन। कितनी आसान थी है ना, कितना आसान नियम था, जहां भी इस तरह का देखो उसे आधे वर्ण को केवल आधे ता में चेंज कर दो और संधि तोड़ दो, आराम से आप इसको भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं, और मैं हर वीडियो में आपके अंत में कहता हूं, शायद आप अंत तक देखते भी हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों अगर आप देखते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि बार बार आप कमेंट बॉक्स में जा करके ना अपनी राय जरूर दिया कीजिए कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं, या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं और ज्यादा सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी स्टूडियो इतना बड़ा नहीं है, लाइटें भी थोड़ी सी कम है और वीडियो की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आ पा रही, लेकिन धीरे धीरे चीजें अच्छी हो जाएंगी। अभी ब्रिजेश सर भी जो है इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो जल्द ही मैथ की क्लासे आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का हिस्सा मेरे पक्ष में है तो इसको मैं पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे और मुझे पता चलेगा कहां कहां कमियां हैं तो मैं उन्हें अच्छे से दूर करूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखा करो। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं अगले नियम की ओर।
तीन नियम हमने कंप्लीट कर लिए। अगला जो नियम है वो है दोस्तों नियम नंबर चार। ये जो बिंदी होती है ना, ये इसका नियम है। ये जो एक वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगा दी थी है ना, तो इसमें क्या होता है, केवल इसकी जगह आधा मा बन जाएगा है ना, जहां भी बिंदी होगी और वहां से संधि टूट रही हो, बस इतना सा नियम है कि संधि वहां से टूट रही हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, अंग की बिंदी हटा करके ना उसकी जगह आधा मा लगा देंगे। इसको अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे, आए तो इसके स्थान पर, इस तरीके से परिभाषा लिख रहा हूं दोस्तों मैं बना करके ताकि आपको समझ में आ जाए, स्थान पर आ जाएगा है ना। इसका एक दो एग्जांपल कर लेते हैं दोस्तों, जैसे संविधान और संज्ञा संजय, इसी तरीके के आएंगे दोस्तों। तो इसमें आप क्या करेंगे, सम प्लस विधान, आपको पता है ना, आप जब संविधान को तोड़ेंगे तो सम से ही टूटेगा, सम प्लस विधान, सम प्लस ज्ञ, सम प्लस ज, ठीक है। ये भी कितनी आसान थी, तो अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने इनको नियम में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हमारी एक ही संधि रह जाएगी, कौन सी संधि रह जाएगी दोस्तों, वो रहेगी विसर्ग संधि, उसे भी हम एक ही वीडियो में समाप्त कर लेंगे। तो चलो ये आपको समझ में आ गया, अब चलते हैं अगले नियम की ओर। ये नियम नंबर दोस्तों चौथा था, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लिखना भूल जाते हैं, तो आप ठीक कर लिया करो। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम जो है दोस्तों नियम नंबर फाइव, इसमें क्या है, अगर डबल मा आए तो है ना, डबल मा आए तो ऐसे भी शब्द आपको मिल सकते हैं, डबल मा आए तो कोई परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, ये वाला और इससे पिछला वाला भी, यहीं से ज्यादा पूछ लिया जाता है, और आधा आधे वर्ण वाला जो था ना उसमें से भी ज्यादा पूछ लिया जाता है। ये इसलिए पूछ लिया जाता है कि संधि में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जरूर है, जब भी हम शब्द को तोड़ते हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन ये नियम ऐसा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम्मान है ना, सम्मान है, इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, सम प्लस मान, देखो कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, बस ये है कि ये भी आधा है और इसको हमने आधा ही लिखा है, लेकिन ये अलग रूप में लिख दिया है, बस इतना है, क्योंकि दोस्तों इसे हम ऐसे तो लिख ना सकते है ना, इसलिए इसको पूरा करके हलंत लगा देते हैं, तो ये आधा है, ये भी आधा, ये भी, कोई परिवर्तन नहीं आता, ये नियम बस इतना सा ही था। बाकी आप इसका एक दो एग्जाम्पल और करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि एक शब्द होता है सम्मति, तो इसको आप कर सकते हैं सम प्लस मति, इस तरीके से, और ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। अब इसका अंतिम नियम बचा है दोस्तों, उसको और देख लेते हैं, ठीक, उसके बाद हमारी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी। देखो दोस्तों ये जो नियम है, नियम नंबर सिक्स, इसमें इसका खेल है ना, तो इसमें पहले मैं शब्द लिख देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले लिख देता हूं मैं सुषमा, और एक शब्द और लिख देता हूं विषम, ठीक, और सुभाष, बस यही रहने देते हैं। देखो आप इसमें एक चीज नोट करो, अगर सा से पहले आ का मतलब आ का डंडा, यहां पर है नहीं है, यहां पर है नहीं है, यहां पर है हाँ है ना, बस इतना ध्यान रखना। देखो जब भी आपको लगे कि इस वाले सा से पहले आ,
अगर है तो सा का सा ही बना रहेगा, और अगर आ नहीं है तब क्या होगा? अगर आ नहीं है तो सा का सा बन जाएगा। ये आप जल्दी से लिख लें, फिर मैं इसको करके दिखाता हूं, है ना। सा से पहले आ नहीं है तो सा का सा बन जाएगा, है ना। ये इसका नियम है, अगर है तो सा का सा ही बना रहेगा। ठीक है, अब करते हैं इसको, इसको मिटा देता हूं। ये आपने देख लिया होगा। देखो दोस्तों, इसमें नहीं है और नहीं है तो सुषमा का क्या होगा? सु प्लस, अगर नहीं है तो क्या होगा? सुषमा सा का आ नहीं है तो सुषमा सा का सा ही रहेगा। वो सॉरी, समा इस वाले सा में बदल जाएगा, जैसे कि ये है बी प्लस सम। ठीक, इसमें डंडा है, इसमें डंडा है तो क्या होगा? इसका ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। ठीक है, जैसे सु प्लस भास। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना ध्यान रखना है कि सा से पहले अगर आ का डंडा नहीं है तो चेंज होगा, और अगर है तो चेंज नहीं होगा। बस इतना याद रखना है, अगर है तो चेंज नहीं होगा और नहीं है तो चेंज होगा। देखो, इसमें नहीं था तो इसमें चेंज हो गया, इसमें नहीं था इसमें भी चेंज हो गया, इसमें था तो इसमें चेंज नहीं हुआ। बस इतनी सी ये संधि थी, और इसी के साथ आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि बार बार मैं आपसे कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी कर दें, ताकि आपके दोस्त लोग भी फायदा उठा पाएं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए। वैसे तो ये देखा जाए तो बुरा ही समय है, लेकिन पढ़ाई के स्तर से अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी कभी अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं, तो उसी तरीके का ये आपके लिए समय है। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों, हमेशा मास्क पहने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी पढ़ाई को कतई ना छोड़ें। जब भी समय मिले आपका, आप वीडियो देखें, अपने नोट्स बनाएं दोस्तों। अगर आप हिंदी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदी व्याकरण की आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप उसके प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं तो आप किताब खरीद सकते हैं, या फिर वोकैबुलरी वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि आपके विलोम शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव होते हैं, इन सबको अगर याद करने के लिए खरीद रहे हैं तब कोई बात नहीं। लेकिन आप हिंदी व्याकरण समझने के लिए, पढ़ने के लिए खरीद रहे हैं तो उसके लिए मैं हूँ। आप मुझ पर विश्वास बनाए रखें दोस्तों, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा, और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी में जितने अंक का पेपर होगा पूरे के पूरे अंक मैं आपको दिलवा दूं, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। थोड़ा सा साथ आप दीजिए दोस्तों, आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बताया करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।